बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश टीचर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट टू ऑफ द चैप्टर नंबर 10 एपिलॉग विच हैज़ बीन रिटन बाय आयशा दिलार। हम टेक्स्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इट्स मीन डैट वी आर रेडी फॉर द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ शॉर्ट एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो थ्योरी तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा अपना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज होते हैं उसमें एग्जैक्ट वही बात बतानी होती है जो पूछी जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 75% वो हैं जो कि बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को हमारे देख रहे हैं। तो काइंडली आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, कुछ भी नहीं होता इससे। थैंक यू सो मच। अब आप अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डिवाइड कम्युनिटी यूनाइटेड नेशन। क्या एक तकसीम हुई हुई कम्युनिटी यूनाइटेड नेशन इक़वामे मुत्तहिदा कहला सकती है? कभी भी नहीं कहला सकती। कैसे कहलाएगी? हम तो बढ़ चुके हैं, हमारे तो स्टेट्स क्या, हमारे सूबे क्या, हम खुद ही बढ़ चुके हैं, हमारी कम्युनिटी ही डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, तो क्या अब ये डिवाइड हुई हुई कम्युनिटी यूनाइटेड नेशन कहला सकती है? ये क्या ये वही यूनाइटेड नेशन है जिसके लिए हम आज़ाद हुए थे, जिसके लिए हम आज़ाद रियासत हुए? अच्छा, जब हम डिवाइड हुए कायदे आज़म ने और फिर गांधी ने, जितनी मूवमेंट हमारी स्ट्रगल की, क्या हम उसको उनको फॉलो कर रहे हैं? क्या उनकी स्ट्रगल का मतलब उनको जिस ख्याल से, जो अलामा इकबाल का ख्याल था, जो कायद की कोशिश थी या गांधी की कोशिश थी इंडिया के अलहदा करने की, उन्होंने अपने हिसाब से इंडिया और को अलहदा किया, कायद मुस्लिम को अलहदा किया, तो क्या हम उनका सिला उनको दे रहे हैं? कायद अजहर ने कहा था जब हम आज़ाद हुए 1947 अगस्त में कि हम आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं। तो क्या हम अब आज़ाद हैं? हम फ्री नेशन हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब यानी कि अब यहाँ के जो पोइट्स थे या राइटर्स थे, ठीक है, अब राइटर्स को भी उन्होंने पागल करार दे दिया। अब आप यहाँ पर रेफरेंसेस दे सकते हैं, मंटो का, बहादुर शाह जफर का, जिनको जिला वतन कर दिया गया, मंटो जिनको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, गालिब जिसको गद्दार कह दिया गया, बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं कि मीर तकी मीर, फिर फैज़ अहमद फैज़, इस तरह की, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि वो लिटरेचर लिखते थे, उर्दू लिटरेचर, उर्दू के साथ साथ हिंदी लिटरेचर वालों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। किस तरह? लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर होता है मिरर ऑफ सोसाइटी, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए होश हवास में उन सच्चाइयों को लिखना जो कि सोसाइटी में हो रही हैं, नॉट फॉर क्रिटिसिज्म बट फॉर रिफॉर्मेशन, ताकि लोग उठें, जागें, हमारी गवर्नमेंट जिसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो उसको एहसास हो। लेकिन अब हमारी कम्युनिटी में उलट होने लग गया था, उनको लगता था कि ये हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हमें एक मजाक बना रहे हैं मुआशरे में। सोसाइटी अपना आईना नहीं देखना चाहती थी, सोसाइटी नहीं चाहती थी कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आए, जो हमारी सच्चाइयाँ हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने गवर्नर्स पे पोइट्री लिखी, इन्होंने अपनी सिटीज़ पे, अपनी सोसाइटी पे, अपर क्लास लोगों पे सबसे ज़्यादा पोइट्री लिखी, ठीक है। और जब ये पुअर लोगों के लिए लिखते थे तब इनको कोई नहीं पूछता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये तनकीद करते थे अपर क्लास लोगों पर तो क्या होता था, इनको जलावतन कर दिया जाता था, इनको जेलों में भेज दिया जाता था, इनको पुलिस पकड़ के ले जाती थी, ठीक है, इन पर मुकदमात होते थे। अब मंटो की लाइफ डिस्कस करें अगर, तो उसमें कितने, उसके लाइफ में कितने मुकदमे चले हैं उसके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि वो फहाश नगार है। एक्चुअली में वैसा बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ
معاشرے میں ہونے والی سچائیوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا. بس وہ خود تو نہیں ریپسٹ تھا, وہ خود تو نہیں بولڈ تھا, وہ خود ایسا بندہ نہیں تھا جو کہ عورتوں کی عزت نہ کرتا ہو, وہ بہت اچھا تھا. لیکن سوسائٹی ایسی تھی, اس نے سوسائٹی کو تو لکھا, خود کے بارے میں تو اس نے لکھا ہی نہیں, تو کس طرح وہ خود ایک فحاش نگار ہو گیا. فحاش تو سوسائٹی ہوئی, لیکن پھر بھی سزا کس کو ملی؟ اس رائٹر کو جس نے لٹریچر لکھا. اگر آپ باقی ملکوں کے پوائنٹ بھی دیکھ لیں, رائٹرز دیکھ لیں, ان کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا جب وہ اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے تھے, جبکہ وہ کرٹیسزم وہ ریفارمیشن کے لیے ہوتا تھا, لیکن حکومت اس کو اپنا مذاق سمجھ لیتی تھی, اس کو اپنی ایگو سمجھ لیتی تھی. ٹھیک ہے کہ اس نے ہم پہ بات کی, چلو جیل میں چلو, ملک سے باہر ہو جاؤ, یا ایون کہ پھانسی دے دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, یا اسٹریٹ کرائمز ہونے لگے تھے, گلیوں میں شوٹ کر دیا جاتا تھا. بہت سارے رائٹرز سوسائڈ بھی کر لیتے تھے اس وجہ سے کہ ان کو غلط, ان کو ہی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں, جبکہ وہ ریالٹی تو سوسائٹی کی بتا رہے ہوتے تھے. یہ اس لیے میں آپ کو سارا کچھ بتا رہی ہوں کیونکہ اس ٹاپک میں ہم نے یہی سب کچھ پڑھنا ہے کہ جب ہماری کمیونٹی ڈیوائڈ ہو گئی, ہمارے صوبے ڈیوائڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, صوبے تو چلو ہو گئے, خیر ہے, ہو گئے ڈیوائڈ, ہماری اسٹیٹ بڑھ چکی تھی, ریاست تقسیم ہو چکی تھی, لیکن ایک شہر میں رہتے ہوئے ریلیجن بھی ڈیوائڈ ہو گیا. شہر میں فرقہ وارث چارٹ ہو گئی, شیعہ, سنی, وہابی, اس طرح کے بہت زیادہ فرقے بن گئے. ٹھیک ہے, جیسے ہم دیکھیں کہ جیسے ہی سٹیزن شپ آئی تو وہ سٹیزن شپ ویک ہو چکی تھی. کیوں کیوں ویک ہو چکی تھی؟ کہ ماڈرن نیشن جو نئے دور کے لوگ تھے, جو ماڈرن نیشن کے گورنر تھے یا گورنمنٹ سنبھالنے والے لوگ تھے, ان کو کوئی مینج نہیں کرنا آتا تھا, ان کو کچھ بھی مینج نہیں کرنا آتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے سٹیزن شپ تقسیم کر دی, یعنی کہ ایک سٹی میں رہتے ہوئے ایم پی اے کوئی اور, ایم این اے کوئی اور, اس طرح بہت زیادہ فرقوں میں ایک سٹی ہی بٹ گیا. اس طرح کمیونٹی ہی ڈیوائڈ ہو گئی, اس طرح سوسائٹی ہی ڈیوائڈ ہو گئی, ایک شہر ہی ڈیوائڈ ہو گیا. تو سوچو کتنے پاکستان کے کتنے شہر ہیں اور ہر شہر ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح شہر کے ڈیوائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے اب اپنا ریلیجن بھی سنبھالا نہیں جا رہا تھا. پہلے جب آزاد نہیں تھے ہم, تب ان کو لگتا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہمارے ریلیجن پہ اٹیک ہوتا ہے, ہم سے فیل نہیں کرتے, تو آپ ہمیں علیحدہ وطن لے کے دیں. علیحدہ وطن جب آیا, جب ایک وطن میں سب لوگ ایک جیسے رہتے تھے, سبھی کے سبھی مسلم تھے, مسلمان تھے, تب ان سے ایک اپنا ایک ریلیجن سنبھالا نہیں گیا اور اس ریلیجن کو بھی فرقوں میں بانٹ دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی سٹیزن شپ, یہ تھی کمیونٹی کی ڈویژن. کیا اب اس کو اقوام متحدہ کہیں گے, جس کے لیے ہمارے قائد نے اتنی سٹرگل کی, جس کے لیے ہندوؤں کے گاندھی نے اتنی سٹرگل کی؟ ہم سب نے ان کو صلہ نہیں دیا, ہم آتے ہی تاریکی میں ڈوب گئے. وہ کہتے نہیں ہیں, انہوں نے اب آگے ہم پڑھتے ہیں اگر دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے نا, یہ پوئٹ کا ہوا ہے, یہ رائٹر کا ہوا ہے, جبکہ علامہ اقبال رائٹر تھے, ان کی رائٹنگ کے ذریعے ہی انہوں نے لوگوں کو اجاگر کیا تھا. ایک رائٹر اپنی سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے لکھتا ہے, ایک پوئٹ اس لیے شاعری کرتا ہے تاکہ اس کی قوم جاگے, اس کی قوم میں ریفارمیشن آئے, اس کی قوم ترقی کرے. لیکن اب جہاں پہ شاعروں, جہاں پہ ان کے اردو لٹریچر کو یہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی, وہاں پہ کہاں اقوام متحدہ رہنی تھی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے بات کر لی, اب اردو لینگویج کو ہی سب سے زیادہ خطرہ ہونے لگ گیا تھا. اردو لینگویج کے ساتھ ساتھ ہندو پرست جو لوگ تھے, شدت پرست لوگ تھے, شدت پسند جو لوگ تھے, اب شدت پسند ہونا کیا ہوتا ہے, ایکسٹریمسٹ ہونا. آپ اپنے اگر اردو کو لے کے ایکسٹریمسٹ ہیں, آپ اردو میں لٹریچر لکھتے ہیں, تو کیا یہ غلط بات ہے؟ نہیں, آپ تو اپنی زبان کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا حق بنتا ہے کہ آپ کو سزا سنائی جائے؟ کیا حق بنتا ہے کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ آپ لکھ رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ آپ اردو زبان میں لکھتے ہیں؟ زبان وہ اردو ہی استعمال کرتے تھے جو رائٹرز تھے, جو پوئٹس تھے,
लेकिन सिर्फ रियलिटीज दिखाते थे, ठीक है, लेकिन उनको भी ब्रूटल तरीके से ट्रीट किया जाता था सोसाइटी में, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा मंटो की मिसाल ले लें, क्योंकि मंटो का आपने पढ़ा हुआ है, मंटो का किस तरह उन्होंने यूज़ किया। मंटो बहुत अच्छा इंसान था, इवन कि उसके घर वाले उसके साथ नहीं थे, और एंड पे वो बेचारा मर गया। आपने देखा होगा राइटर हो या पोइट हो या जोकर्स हो, इवन वो दूसरों को हंसी दिलाते दिलाते, दूसरों को रियलिटीज़ बताते बताते, दूसरों को रिफॉर्म करते करते सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनकी मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं कि कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है, कोई उनसे नहीं पूछता। उनको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत सौखी है, बहुत आसान है, बहुत इजी टाइप की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मुश्किल उनकी लाइफ होती है, क्योंकि उनकी राइटिंग को एक तो प्रेफर नहीं किया जाता, प्रमोट नहीं किया जाता, और दूसरा कि उनको इबरत का निशान बनाया जाता है, उनको जेलों में भुगतनी पड़ती है, उनको मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उनको जिलावतन करना पड़ता है, और बेचारे गुर्बत की वजह से मर जाते हैं, सही है, अपनी ज़िंदगी में, और बाद में उनको लेजेंड के नेम से जाना जाता है, जैसे कि मंटो को आज जाना जाता है कि वो एक लेजेंड था, जैसे कि गालिब को जाना जाता है कि उर्दू ज़ुबान का लेजेंड था, लेकिन तब उनको किसी ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, तब उनको सिर्फ ज़िल्लत मिली। अब जब हम अलहदा अलहदा हुए पाकिस्तान और इंडिया, तो इन्होंने बहुत प्यारों को खोया। ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान और इंडिया दुश्मनी थे एक दूसरे के, नहीं, बहुत एहसास वाले लोग भी थे, बहुत हमसाए ऐसे थे, बहुत दोस्त ऐसे थे, बहुत शायर आपस में ऐसे दोस्त थे। वहाँ पे मुंबई में जब टैलेंट शो होता था, जब वहाँ पे मूवीज़ बहुत ज़्यादा, उसमें टैलेंट बहुत है मुंबई में, तब बहुत ज़्यादा होता था, तब क्या था, तब मुस्लिम और इंडियन दोस्त बने हुए थे आपस में, और जब ये अलहदा हुए तो इन दोनों को बड़ा दुख हुआ, ठीक है। तो कहते हैं कि उस हम इसलिए अलहदा हुए थे ताकि हम सुकून के सांस ले सकें, हमने अपने प्यारों को खोया इसलिए ताकि हम क्या करें, हम अपने मुल्क में अपनी पहचान के साथ रह सकें। लेकिन क्या अब हमारी पहचान वो रही है, क्या जो अथॉरिटीज़ कायद के पास थी, कायद बहुत जल्दी चले गए, उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जो भी है, लेकिन अब जो अथॉरिटीज़ उनके पास थी, क्या पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास रही या नहीं रही, अब वो अंडर कंट्रोल हैं बरतानिया के, आज तक इम्पीरियलाइज हुए हुए हैं, ठीक है। हमारे दरमियान बाउंड्रीज़ ख़त्म करने के लिए तो लकीरें खींची गई, पाकिस्तान इंडिया को अलहदा किया गया, लेकिन फिर भी आते ही एक साल के अंदर अंदर हम पे अहकाम मुसलत कर दिए गए, हम पे फोर्सेस मुसलत कर दी गई, हमें फोर्सफुली उनके हर अहकाम को मानना था, ठीक है। हम पे एक फोर्सफुली उन्होंने अपने कानून मुसलत कर दिए, फोर्सफुली उन्होंने अपनी गवर्नमेंट मुसलत कर दी, अपने जो भी वो काम जो भी चाहते थे, उन वो चाहते थे कि हम वो हर चीज़ फोर्सफुली एक्सेप्ट करें अपनी गवर्नमेंट के गवर्नर्स की, जबकि हम अलहदा क्यों हुए थे, ताकि हम पे किसी की फोर्स ना पड़े, ठीक है, हम फोर्सफुली कोई काम ना कर सकें, हम आज़ाद रह सकें, हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकें। लेकिन आते ही हमें फिर पाबंदियों में, बाउंड्रीज़ में, लिमिटेशंस में धकेल दिया गया, जकड़ दिया गया, हमारे पाँव में बेड़ियाँ बांध दी गई, और बेड़ियाँ वो अपनों ने ही बांधी, सारी ज़िंदगी रोते रहे कि इंडिया ने ये ऐसे किया, मुस्लिम्स के साथ ऐसा खून बहाया, रेप किया, मुसलमानों ने आपस में क्या किया, आपस में भी तो इन्होंने फिरका वारियत कर ली, आपस में भी ये बट गए। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी लाइन्स कही हुई हैं किसी राइटर ने, हु इज़ दिस क्रूअल पर्सन, ये कौन ज़ालिम बनता है, हु हैज़ विद हिज बर्निंग बैन, जो अपने जलते हुए अंगारों वाले कलम से एक लाइन खींच गया इनोसेंट ब्लड के दरमियान। इनोसेंट ब्लड कौन थे, वो इंसान इंडिया और पाकिस्तान जो एहसास वाले थे, क्योंकि मैंने आपको बताया सारे लोग एक जैसे नहीं थे, जो कि अपने मदरलैंड से बहुत प्यार करते थे। ये क्या हो गया है, क्या हो गया, हमारे दरमियान लाइन खिंच गई, इसलिए खिंची
ताकि हम आज़ाद रहें। लेकिन अब वो आज़ादी पहले से ज़्यादा बुरी होने लगी थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टोन बदल रही थी। इक़वामे मुत्तहिदा आहिस्ता आहिस्ता फ़िरकों में बट गया था। तो अब हम आज़ाद नहीं हैं, अब हम आज़ाद नहीं रहे। क्यों? वी आर अंडर कंट्रोल। किसके अंडर कंट्रोल है? ऑफकोर्स ब्रिटिश, ऑफकोर्स यूरोप, ऑफकोर्स अमेरिका। तो पूरी अमेरिकन ड्रीम्स के थ्रू ये खेल खेला गया हमारे साथ, और लालच में हमारे अपने ही लोग आ गए। अब बात करें फैज अहमद फैज़ की, सॉरी अहमद रियाज की, तो इन्होंने कहा कि रिलीजियस की जो लॉयलिटी थी ना, वो भी अब ख़त्म होने लग गई। बॉर्डर के पार जो मुस्लिम्स थे वो कहते थे हमारा अपना रिलीजन है ये वो, अब वो रिलीजन बट गया। ठीक है, अब उनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई। अब इनकी एक फ्रेंड हैं इंडिया में, उन्होंने ये लिखा, ये नहीं था कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा था, इंडिया में भी ये सारा कुछ हो रहा था, इंडिया भी बट गया था। इसमें ये लिखा था, डाउन ऑफ इंडिपेंडेंस हैज़ कम बट स्टिल द पैथ ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट आर इन डार्कनेस, वी आर नाइदर इनफेडल और नॉन मुस्लिम। कहते हैं कि अब जो इंडिपेंडेंस थी ना, वो तारीखी में बदल गई है। अब सिर्फ पास्ट की जो तारीखियाँ थी ना, वो तो कम थी, लेकिन जो आज की प्रेजेंट की तारीखियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अब इसका मतलब पास्ट भी हमारा तारीख था, प्रेजेंट भी हमारा तारीख है, और फ्यूचर तो हो ही तारीख जाना है। क्योंकि जिस तरह हम में ग्रीडनेस पाई जाती है, जिस तरह हम में डिसलॉयलिटी पाई जाती है, जिस तरह हम रिलीजन जो हमारा वही बट गया है, जिस तरह हम अंडर कंट्रोल हैं बरतानिया के, तो हम अनकरीब उनके फिर दोबारा वही एरा रिपीट होगा जब हम उनके अंडर कंट्रोल थे, जब हम उनके ग़ुलाम थे, हम ग़ुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हमें अपने शिकंजों में फंसा रहा है इकोनॉमिकल वैल्यू से, वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस करता है, हम इम्प्रेस होते हैं, हम उनके रूल से इम्प्रेस होते हैं, हम चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएँ। और इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता हम उनसे कर्ज़े लेते हैं, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, हमें गरीब बनाने वाला भी कौन था? हम 1961 में चाइना सबसे पहले मुल्क पे तरक्की पे आता है, ठीक है, तरक्की पज़ीर मुल्क, तो हम चाइना से ज़्यादा अमीर थे उस टाइम। हमें गरीब किसने किया? ये दो ख़ानदानों ने, नवाज शरीफ के ख़ानदान ने और ये जरदारी के भुट्टो के ख़ानदान, ठीक है, ये एक दो ख़ानदान चलते आ रहे हैं और दो ख़ानदान हमें खा रहे हैं, और अनकरीब हम सर्वेंट होने वाले हैं। खैर, अब अहमद रियाज बोल्डली कहते हैं कि आज़ादी की सुबह आ चुकी है, ये जो लिखा है ना, द डाउन ऑफ इंडिपेंडेंस हैज़ कम, आज़ादी की सुबह आ चुकी है, लेकिन हमारी तारीख, हमारी हमारा पास्ट भी, हमारा माजी भी और हमारा हाल भी, दोनों तारीखी में डूबे हुए हैं। ना हम काफिर हैं, इनफाइडल काफिर, और ना ही हम मुसलमान, हम बस पिसे हुए लोग हैं भूख से और फैमिन से। फैमिन मीन कहत, कहत और भूख से पिसे हुए लोग हैं हम, ठुकराए हुए हैं, रिजेक्ट हुए हुए हैं हम। क्या हैं? कहते हैं, कॉमरेड्स होल्ड आउट योर हैंड, उठो मेरे साथियों, इवन टुडे वी आर गैदर, हम आज भी इकट्ठे हैं। ये किसके लिए लिखा है? हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए। कहते हैं हम आज भी इकट्ठे हैं, हु कुड एवर डिवाइड द स्टेट ऑफ लिटरेचर, किस तरह कोई अदबियात या लिटरेचर अलहदा हो सकता है, किस तरह उसको तकसीम किया जा सकता है? लिटरेचर को तकसीम नहीं किया जा सकता। साइड्स कैन बी डिवाइड, रियासत तकसीम हो सकती है, गलियां बंद हो सकती हैं, बट हु कैन इम्प्रिजन इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, किस तरह हमारे जोशो जज्बों को कैद किया जा सकता है? हम आज भी आज़ाद हैं, हम लिटरेरी पर्सनस हैं, और लिटरेचर के जो लोग होते हैं वो कभी भी कैद नहीं होते, ठीक है। बेशक हम कैद में रहे, लेकिन फिर भी हमारी सोचें कैद नहीं होती। बेशक हम अलहदा हो चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुका है, लेकिन स्टिल टुडे वी आर गैदर, ठीक है।
इसी तरह उन्होंने अपनी शायरी के थ्रू इंडिया और मुसलमानों दोनों के जो लिटरेरी पर्सन्स थे, दोनों नेशन के लोगों को जज्बों में रखा ताकि वो लिखते रहें, जिंदा रहें, क्योंकि जो जिंदा रहता है वही जीता है, जो मर जाता है वो तो फिर मर ही जाता है। ठीक है, विद इंडिया एंड द पाकिस्तानी स्टेट टर्निंग द बाइंड्री अपोजिशन अपोजिट ऑफ सेकुलर नेशनलिज्म एंड रिलीजन कम्युनलिज्म इनटू आइडियोलॉजी ऑफ लेगिटिमेसी द डायलमा ऑफ द सबकॉन्टिनेंटल मुस्लिम आइडेंटिटी वाज द बिकम इररिजॉल्वेबल। अब इंडिया और पाकिस्तानी आइडियोलॉजीज जो थी, अब जिस आइडियोलॉजी पे ये दोनों मुल्क अलहदा हुए थे, अब वो आइडियोलॉजी ख़त्म हो चुकी थी, वो भूल चुकी थी सबको। अब क्या हुआ था, अब ये सीन था कि इनकी आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी और इंडियन आइडेंटिटी मिक्सअप हो चुकी थी, इनकी आइडेंटिटी में प्योरिटी नहीं थी और इनके मसाइल को अब रिजॉल्व करना इम्पॉसिबल हो चुका था। अब इनके मसाइल को कोई सॉल्व नहीं कर सकता था, कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ही ग्रीडीनेस का शिकार हो चुकी थी, डिसलॉयल्टी का शिकार हो चुकी थी। इस वजह से कौन इनको अपने अंडर कंट्रोल कर सकता था, कौन इनको इनके मसाइल को देख सकता था, उनको सॉल्व कर सकता था। अब मुसलमानों के या जो आम शहरी थे उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनको हकूक, फीमेल्स को तो मिलने ही नहीं थे ना। अब जो मर्द थे मेल्स से उनको भी नहीं मिल रहे थे। अब उनके जहनों में उनकी गवर्नमेंट दुश्मन बन चुकी थी, उनकी आज़ादी ही उनकी दुश्मन बन चुकी थी। उनको लगता था कि हम हाल से ज़्यादा अपने माजी में ज़्यादा आज़ाद थे। ठीक है, और अब उनके जहनों में शिकवाए आज़ादी घूम रही थी। अब हमारे साथ धोखे होने लगे। किस तरह धोखे हुए, अब हम पढ़ते हैं कि जैसे ही हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे कल्चर डिवाइड हो गए, आइडेंटिटीज़ डिवाइड हो गई, तो सबसे ज़्यादा धजका उर्दू लैंग्वेज को लगा। अब मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस थी, अंग्रेज़ों की जमात थी, उनको इंडियन से कोई लेना देना नहीं था, उनको इंडियन के रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था उनको, क्योंकि हमारा रिलीजन मजबूत था इसलिए आज तक इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रिलीजन मजबूत था, मजबूत है और इंशाल्लाह रहेगा, तो हमें उन्होंने इसलिए धचका दिया क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ थी। और इंडिया तो पहले ही उसके साथ मिल चुका था, यूरोप के साथ, ठीक है, कांग्रेस के साथ, उनकी जमात के साथ मिल चुका था। अब जब वो दोनों मिल चुके थे तो कैसे आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुँचा सकते थे? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाना था, तो सबसे ज़्यादा धचका हमें हमारी उर्दू ज़ुबान को लगा, उसको डैमेज किया गया, हिंदी पॉलिसी को नहीं किया गया सबसे ज़्यादा आरएसएस और जंग, जान संघ की जंग के बाद, उन्होंने उनके अटैक के बाद सबसे ज़्यादा झटका जो लगा वो था उर्दू लैंग्वेज को। तब कांग्रेस जो थी वो यूपी के साथ मिल चुकी थी, यूपी मतलब कि ये उत्तर प्रदेश ऐसा कोई उनका इलाका है इंडिया का, ठीक है, उनके साथ मिल चुकी थी, अब उन उसमें आ चुकी थी। अब उर्दू स्पीक जो पर्सन थे वहाँ पे रहते थे उनको भी मसाइल होने लगे, फेस करने पड़े। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए वो उर्दू स्पीकिंग थे। इवन के जो इंडिया अब आपस में मिलके रहते थे इंडिया पाकिस्तान, तो अब उनको भी लैंग्वेज आनी थी इनकी, जब लेकिन जहाँ वहाँ पर जो उर्दू स्पीकिंग लोग, बेशक वो इंडियंस थे, उनको भी बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब मुसलमानों को पता चलने लग गया कि हाँ, इंडिया खुलेआम उसके साथ है, वो सरेआम सबको बताता था कि हम अंग्रेज़ों के साथ हैं, लेकिन मुसलमानों के पास इसका कोई, उनकी डिसलॉयल्टी का कोई भी इतना कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं था उनके पास, लेकिन उनको पता था कि ये इंडिया कांग्रेस के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पे एक सरदार वाला भाभी भाई ऐसा नेम है, पटेल कहते हैं मुस्लिम्स को, कहते हैं कि आई वॉन्ट टू टेल दैम फ्रेंकली डैट
मेड डिक्लेरेशन ऑफ लॉयल्टी टू इंडिया यूनियन विल नॉट हेल्प दैम एट द क्रिटिकल जंक्टर दे मस्ट गिव प्रूफ ऑफ देयर डिक्लेरेशन. जब इंडिया पाकिस्तानों ने उनके आवाज़ खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी ना इंडिया के खिलाफ कि तुम लोग उसके साथ हो, तो फिर सरदार ने कहा, जबकि उन सबको पता था कि हाँ हम उनके साथ हैं, तो इस सरदार ने कहा कि ऐसे तुम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये इल्ज़ाम बहुत कीमत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी, इससे पहले तुम सबूत लेके आओ, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है इस चीज़ का तो तुम अपने जिम्मेदार खुद होगे. इट्स मीन कि मुस्लिम्स को धमकाया जाने लगा वहाँ पर, और अब ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बन चुका था उनके लिए जो कि मुसलमान अक़लियत मुसलमान इंडिया में रह चुके थे, उनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ज़िंदगी हो गई थी. क्यों? क्योंकि इंडिया और यूरोप बरतानिया के लोग आपस में मिले हुए थे, और इन सब का मेन मोटिव ये था कि नुकसान पहुंचाना हमारी साख को, हमारी ज़ुबान को, हमारे रिलीजन को, हमारे मज़हब को. वो पहुंचा चुके हैं, ठीक है, पहुंचा चुके हैं. अब उनको टॉन्ट किया जाने लगा, अब उनके साथ इस कदर बुरा सलूक होने लगा कि उनको जो क्वार्टर्स दिए जाते थे रहने के लिए वो बहुत अजीब बुरे हाल वाले क्वार्टर दिए जाते थे. बदहाल मुसलमानों के साथ ये सलूक हुआ, और जो इंडियंस थे उनको बहुत अच्छे महल नुमा घर रहने को मिलते थे. जब वो सफ़र करते थे बसों में ट्रेन्स में, तो जो टूटी फूटी बसें थीं जो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए चलाई जाती थी, अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था मुसलमानों के लिए जो कि इंडिया में रह चुके थे. अब वो डिसलॉयल्टी का शिकार हो चुके थे, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं था, ठीक है. अब पाकिस्तान के अंदर वो आ नहीं सकते थे, अब उनकी नेगेटिव आइडेंटिटी पाकिस्तान में हो चुकी थी, क्योंकि वो अब उधर इंडिया में रह चुके थे, तो इस वजह से पाकिस्तान में भी नहीं आ सकते थे, उनको इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान में आने की. तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे उनकी नेगेटिव आइडेंटिटी उनके गेस्टर्स पे टॉन्ट कर करके उनको सजाएं देने लगे. क्यों? ताकि हमारे पाकिस्तानियों को दुख पहुँचे, हमारे साख को दुख पहुँचे, हमारी ज़ुबान को, हमारे रिलीजन को दुख पहुँचे, ठीक है. इस वजह से उन्होंने उधर जो मुसलमान रहते थे, जो बच गए थे, जो अक़लियत थे मुसलमानों की जमात, वो उधर रह गई थी इंडिया में, उन्होंने उनको शिकार बना लिया अपना, और ख़ुद शिकारी बन गए. उनको पुअर और इलिटरेट मुस्लिम के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है. अब वो जो लोग थे, अब इनको डेमोक्रेटिक इंडियन शिप को भी फेस करना था मुसलमानों को. अब उनकी जो तादाद थी, मुस्लिम लीग को प्रमोट नहीं किया जाता था, अब सिर्फ कांग्रेस को प्रमोट किया जाने लगा था, इंडियंस को प्रमोट किया जाने लगा था, ठीक है. अब जो कम्युनिकेशन होती थी ना बिटवीन पैसेंजर्स, अब फर्स्ट क्लास जो थी वो जो सीट्स होती फर्स्ट क्लास आपको पता होगा वो इंडियंस के लिए थी, और जो थर्ड क्लास सीट्स थी ना कंपार्टमेंट से वो मुस्लिम्स को दिए जाते थे, ठीक है. अब इन चीज़ों से वो चिड़चिड़ाने लगे थे, चिड़चिड़े हो गए थे, उनको ये तकसीम, ये जो बुरी हालात, वो जो मुश्किलात फेस करनी पड़ी, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी. और फिर उन्होंने सजेस्ट किया गया कि ये बेटर है कि जो ट्रेन जा रही है ट्रैक पे अक्रॉस द बॉर्डर, सील्ड बॉर्डर, उसमें बैठ जाया जाए. और जैसे ही वो वहाँ पे बैठे, वो पूरी ट्रेन को उन्होंने तबाह कर दिया, औरतों को पकड़ लिया, बच्चों को बद्दी बना लिया, औरतों के साथ रेत किया, जिनसे ज़्यादती की, और मर्दों और बूढ़ों को नौकर या सर्वेंट बना लिया गया, ठीक हो गया. तो यही था हमारा आज का टॉपिक, इतना ही काफ़ी है, आप इसको समझें, इसको पढ़ें, ठीक है, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए. और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द मुस्लिम एल्स इन पोस्ट कॉलोनियल साउथ एशिया, इसका पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे. सो दुआ में याद रखिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.